तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने इस रोजन एप्लीकेशन में 200 से भी ज़्यादा रुपए जो मैंने अर्न कर चुके हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप रोजन एप्लीकेशन से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हो, साथ ही पैसे विड्रॉ करने के बाद आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे कितने दिनों के अंदर आते हैं। और गाइस इस वीडियो पर मैं आपको रोजन एप्लीकेशन का पेमेंट प्रूफ भी दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो पर बने रहना, वीडियो को आप स्किप मत करना वरना आपको जो है समझ में नहीं आएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि विड्रॉ कैसे करते हैं, कितने दिनों में आते हैं पैसे आपके पेटीएम अकाउंट में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा 212 रुपये मैंने यहाँ पर अर्न कर चुके हैं और मैं अभी यहाँ पर से जो नोटिफिकेशन मेरे को आ चुका है कि मेरे पैसे जो है विड्रॉ अमाउंट तक पहुँच चुके हैं। तभी मैं यहाँ से पैसे विड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे विड्रॉ करना है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने बैलेंस पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद जो है आपको दोबारा से यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद जो है तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर 200 रुपये लिमिट लिखा हुआ है, साथ ही उसके नीचे लिखा हुआ है कि 5 से लेकर 10 दिन के वर्किंग डेज़ के अंदर मेरे पैसे जो है पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही नीचे मेरे पेटीएम अकाउंट है का नंबर जो है डला हुआ है, साथ में नीचे आपको दिख रहा होगा विड्रॉ अमाउंट है 186 रुपये मेरे पेटीएम अकाउंट में, 185 रुपये मेरे पेटीएम अकाउंट में आएंगे। साथ में 15 रुपये टैक्स कटेगा और 200 रुपये मैं यहाँ से निकालूंगा। तो गाइस उसके नीचे मेरा पैन कार्ड का नंबर जो है आपको शो हो रहा होगा, आपको अपना पैन कार्ड जो है यहाँ से प्रिंट कर देना। मैंने अपना पैन कार्ड जो है प्रिंट कर रखा है। तो गाइस प्रिंट करने के बाद जो है आपको सिंपली से विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस 185 रुपये जो है आपके पेटीएम अकाउंट में आने हैं और 15 रुपये टैक्स कटने हैं। तो गाइस आपको क्लिक करना है आपको विड्रॉ पे, मैं यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई फॉर सक्सेस, तो मैं क्लिक करता हूँ विड्रॉ पे। तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है अप्लाई फॉर सक्सेस, मतलब मैंने अप्लाई जो है कर दिया है, मेरे पैसे जो है 5 से लेकर 10 दिन के अंदर मेरे पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, साथ में नीचे लिखा हुआ आ रहा है मेरा जो विड्रॉल है अभी अंडर रिव्यू में है, रिव्यू होने के बाद ही मेरे पैसे जो है पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पैसे पेटीएम अकाउंट में कब आए और कितने दिन लगे। तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रिपल टिक आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कैश विड्रॉल डन, मनी हैज़ बीन ट्रांसफर टू योर पेटीएम अकाउंट फ्रॉम रोज पाउच। तो गाइस मेरे पैसे जो पेटीएम अकाउंट में आ चुके हैं। तो गाइस अगर हम बात करें टाइम की, कितना दिन लगे हैं मेरे पेटीएम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने में, तो गाइस मैंने अप्लाई किया था 23 अक्टूबर को और मेरे पैसे जो पेटीएम अकाउंट में आए थे 29 अक्टूबर को। तो गाइस आप यहाँ से डेट जो है जितने भी डेज लगे आप जोड़ सकते हो, करीब 5 या 6 दिन लगे थे मेरे पैसे पेटीएम अकाउंट में आने में। और गाइस अगर आपने भी पैसे विड्रॉ के लिए अप्लाई किया और आपके पैसे जो पेटीएम अकाउंट में अभी तक नहीं आए, 5 या 6 दिन हो चुके हैं, तो गाइस आप थोड़ा वेट करिए, आपके पैसे जो पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे 5, 6, 7 दिनों में आ जाएंगे आराम से। तो आप वेट करिए, आप घबराइए मत, पैसे आपके पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो पर इतना, अगर आपको वीडियो ने थोड़ी बहुत भी हेल्प करी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।